पूरे विश्व के सामने। 30-40 लोगों की भीड़, दो महिलाएं उन्हें नग्न करते हैं, उनके कपड़े खींचते हैं, पूरी तरह नग्न कर देते हैं, फिर नोचते हैं, नोचते हैं, बीच बीच में ले जाके सामूहिक बलात्कार की भी खबरें आ रही हैं। मोदी जी, मणिपुर सरकार, अगर तुम्हें जरा भी नैतिकता है तो याद कर लेना, तुमने पुनरावृत्ति की है महाभारत काल की, जब इसी तरह शरेआम द्रौपदी निर्वस्त्र होती रही और आप सब मौन दर्शक बने। दुशासन करता रहा नग्न और आप सब धृतराष्ट्र की तरह देखते रहे। महाभारत हुआ था, उसमें पांडव जीते थे और कौरव हारे थे। इसी की पुनरावृत्ति 2024 में फिर होने जा रही है। आपकी राज में इस हैवानियत की सजा भारत की जनता आपको जरूर देगी। हम शर्मसार हैं आज दुनिया के साथ। संसद जनता के मुद्दों से गूंजेगी, इस सत्र की शुरुआत है। कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा कर रही है, सरकार ने चर्चा को हामी भरी है। क्या एजेंडा आप लोगों का होगा और क्या सदन चलेगा? क्या इन घटनाओं के बाद कि 150 लोग लगभग मारे गए हैं, 80 दिन से ज्यादा 3 महीने होने जा रहे हैं, बीभत्स हिंसात्मक लूट सब कुछ हो रही मणिपुर में, सब बोल रहे हैं, पर अगर कोई नहीं बोल रहा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे। चर्चा होनी चाहिए इसकी सदन में, और चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को। लोकतंत्र में एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, लेकिन हारने वाली पार्टी को भी जनता वोट देती है। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी आज इस मुद्दे पर? देखिए, संसद दोनों जगह देखिए, हम सब महंगाई उठाएंगे, बेरोजगारी उठाएंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों को खुलेआम अपदस्त किया जा रहा है, पार्टियां तोड़कर बनाई जा रही हैं, ये सारे मुद्दे रहेंगे। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी मुद्दा रहेगा, लेकिन सबसे पहले मणिपुर में हम चाहते हैं भारत के वो प्रधानमंत्री अपना बयान दे कि 80 दिन तक रौंदी जाती रही महिलाओं की इज्जत, सरेआम गोलियां चलती रहीं, और वो भी एक सीमा पर स्थित प्रदेश में, और एक शब्द शांति बनाए रखने की अपील भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे। सर, अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, प्रहलाद जोशी ने कहा पुरानी बोतल में नई शराब डालने से कुछ नहीं होता है, जो इंडिया नाम रखा गया, फिर इसमें इस पर इतना हंगामा क्यों बढ़ पाया? उन्हें बोतल शराब पर ज्यादा अंदाजा होगा, मैं उनके ज्ञान पर कुछ नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता कि इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस। इंडिया जरा संविधान में पढ़ लो क्या है, और न पढ़ने में आ रहा हो तो किसी विशेषज्ञ से समझ लो। हमारी पार्टी नेशनलिस्ट भी है, डेवलपमेंटल भी है, और एक ये समूह ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज देश को है। तो हम इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होने के बाद हम लड़ेंगे अराजकता से, अनैतिकता से, पिछड़ेपन से, भ्रष्टाचार से, कण कण में जो मोदी सरकार में भ्रष्टाचार समाया है, उसके लिए हमने एकत्र होकर एक के खिलाफ एक चुनाव लड़ाने का फैसला किया। देश का नाम पहली बार थाना पहुंचा, थाने में इंडिया नाम रखने को लेकर शिकायत हुई, चुनाव आयोग में शिकायत हुआ कि देश का नाम कोई नहीं रख सकता है। ये उनकी मानसिकता है जो देश को प्यार नहीं करते, जो अंग्रेजों के जमाने में जब लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी और बहुत से दल, तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों को सेना में उनकी भर्ती होने का हिंदुस्तानियों से ऐलान कर रहे थे, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में नारा दिया जा रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़।